सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज मैं Asus ZenFone Max Pro M1 में जो अक्टूबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट प्रोवाइड किया गया है अनऑफिशियली, उसके बारे में बात करूँगा और उसको आप कैसे इंस्टॉल कर पाओगे उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। प्रोसेस क्या है ध्यान से देख लो, उसके बाद जो है और बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा एक एक करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है XDA, उसके बाद जो है इंटर कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो ए वाला जो XDA का जो है, इसमें आपको XDA डेवलपर, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का एक आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पर एक सर्च टाइप का आइकॉन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है Asus ZenFone Max Pro M1। इसमें आपको जो पिक्चर आएगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने Asus का ZenFone Max Pro M1 का एक लिंक ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, नीचे जाओ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियली OTA और TWRP 09 एंड ऑल्सो जो है यहाँ पर 15 अक्टूबर का एंड ऑल्सो बिल्ड नंबर जो है 059। ये वाला जो है रात को रिलीज़ किया गया था। तो इसमें अब जब भी क्लिक करोगे तो क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है देखो, अक्टूबर सिक्योरिटी पैच, फिक्स्ड लॉन्च इशू एंड ऑल्सो फिक्स्ड क्यू आइकॉन सिक्योरिटी इशू। ये तीन चीज़ें, दो चीज़ें फिक्स्ड किया गया है एंड ऑल्सो एक सिक्योरिटी पैच भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारा लिंक्स है, कौन सा लिंक बढ़िया होगा? ऊपर फर्स्ट वाला जो ए वाला जो है, ए वाला लिंक से बढ़िया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस टाइप का और एक पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको 61.39 MB का एक जो है फाइल, जिप फाइल आपको मिल जाएगा। तो ये जिप फाइल को आप डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद इस टाइप का ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। सो ये डाउनलोड होने के बाद जो है आपको सेम प्रोसेस में डाउनलोड जिप फाइल को जो है अनजिप नहीं करना है, उसको डायरेक्टली कॉपी करके इंटरनल में पेस्ट करना है एंड ऑल्सो कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ ये वाला जो फाइल है, इसको आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके Asus का जो इंटरनल, यहाँ पर जाके आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी हो चुका है, अभी क्या करना है आपको, आपका मोबाइल को जो है प्रेस करके रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद जो है आपके सामने अपडेट का शो होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये क्यू में अनऑफिशियल बोला, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप लोग Asus के वेबसाइट में जाओगे, जैसे कि मैं बताया था आपको Asus ZenFone Max Pro M1 अपडेट, तो यहाँ पर Asus का जो वेबसाइट है मेन लिंक, यहाँ पर अगर आप जाओगे क्लिक करने के बाद, यहाँ पर देखो किसी भी टाइप का अभी तक वो जो है 0580 है। तो अभी तक 059 का अपडेट का लिंक अभी तक Asus के वेबसाइट में ही नहीं आया, तो इसीलिए मैं इसको अनऑफिशियली बोला। ऑफिशियली आ जाएगा तो एक वीडियो बन जाएगा, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है। अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, लीगल प्रोसेस है, मगर मेरा थोड़ा डाउट है इसलिए मैं नहीं करूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर सिस्टम में जाके अबाउट में जाके अगर आप देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 058 है। तो मैं नहीं करूँगा, आप चाहो तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में एक लाइक कर देना, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो विथ प्रेस द बेल आइकन अगर आप यूट्यूबर बनना चाहो तो। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।